में था कि अचानक उसको नदी नजर आई। जब वो उस नदी के पास पहुंचा तो वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया उसको देखकर कहती है, बादल जी आप यहाँ कैसे आज? फिर बादल कहता है, अगले कई रोज तक इस जंगल में बारिश होनी है तो इसलिए मैं पानी पीने आया था। बादल जी हम सबके घर तो कच्चे हैं, अगर तेज बारिश हुई तो हमारे घर गिर जाएंगे। प्रिया जी आप ऐसे करें कि जंगल में सबको जाकर बता दें और कह दें कि सब अपने घर ऊंचे दरख्तों पर बना लें। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी हम कैसे घर बनाएंगे? आप ऐसा करें कि हमें थोड़ा वक्त दे दें। ठीक है, मैं आपको कल सुबह तक का वक्त दे देता हूँ, आप अपना घर बना लें। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आप अगले कुछ दिन के लिए अनाज भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि बारिश की वजह से आपको करीब कहीं से अनाज नहीं मिलेगा। चिड़िया कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ और जाकर सबको बताती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कवि और कालू कवे के पास जाकर कहती है, आप थोड़ी देर में बड़े दरख्त के पास आ जाना, मुझे जरूरी बात करनी है सबसे। खैरियत तो है ना चिड़िया बहन? हाँ बस आप थोड़ी देर में आ जाना, मैं सबके साथ ही बताऊंगी। फिर वो कबूतर के पास जाती है और कहती है, मुझे सब परिंदों से जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर में तोते को लेके बड़े दरख्त के पास आ जाना। वही चिड़िया सब परिंदों को इकट्ठा कर कर कहती है कि अगले कई रोज तक जंगल में बारिश होने वाली है, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने घर ऊंचे दरख्तों पर बना लें और खाने के लिए अनाज भी इकट्ठा कर लें। चिड़िया की बात से तोता और कबूतर दोनों रजामंद हो जाते हैं, सिवाय गोरी कवि और कालू कव्वे के। गोरी कहती है, अरे चिड़िया तुम्हें किसने कहा है, इतने दिनों से तो कोई बारिश नहीं हुई, तो कल भी नहीं होगी। अरे गोरी बहन, लेकिन कल से बारिशें शुरू हो जाएंगी। चिड़िया बहन, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे खुद बादल ने बताया है। ठीक है, जब बारिश होगी हम देख लेंगे, अभी से तो हम कुछ नहीं कर रहे। ये कहकर गोरी और कालू दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कबूतर कहता है, छोड़ो इन दोनों को, हम तो अपने घर ऊंचे दरख्तों पर बना लेते हैं। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर ऊंचे दरख्तों पर बना लेते हैं। फिर चिड़िया कहती है, चलो घर का काम तो हो गया, क्यों ना अब हम ऐसा करें कि हम सब अनाज भी इकट्ठा कर लें, ताकि हमें कोई मसला ना हो। फिर कबूतर कहती है, चिड़िया बहन मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ बहुत सारा अनाज है, क्यों ना हम वहाँ से अनाज ले आएं। फिर वो सब अनाज ले आते हैं। फिर चिड़िया कहती है, कबूतर तुम्हारा घर सबसे ऊंचा है, ऐसा करो कि तुम अपने घर सबका अनाज रख लो, अगर हम अपने घर रखेंगे तो कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से अनाज गीला ना हो जाए। फिर तोता कहता है, हाँ ठीक है, जब हमें जरूरत होगी तो हम तुमसे आकर ले लेंगे। फिर चिड़िया जाकर गोरी कव्वे और कालू कव्वे को कहती है कि अगर आपने घर ऊंचे दरख्त पर नहीं बनाना तो कम से कम आप अपने लिए अनाज तो इकट्ठा कर ले, हम सब ने तो कर लिया है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर गोरी कहती है, कालू जी ये हमें क्यों भाषण दे रही है? गौरी इन सब ने अनाज इकट्ठा कर लिया है, हम क्या करेंगे अगर बारिश हो गई तो? कालू जी कुछ नहीं होता, मुझे तो इस चिड़िया पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अगले दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, सब परिंदे अपने घरों में से बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं गौरी कव्वे कालू कव्वे को कहती है, कालू जी हम अब क्या करेंगे, हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। गौरी मैं तुम्हें कह रहा था ना। कालू जी मुझे क्या पता था कि इस चिड़िया की बात सच हो जाएगी। लेकिन गौरी अब हम क्या करेंगे? कालू जी क्यों ना हम ऐसा करें कि जो बाकी परिंदों ने अनाज इकट्ठा किया है हम वो चोरी कर लें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब सारे परिंदे बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं तो गोरी कव्वे पीछे से जाकर उनका अनाज चुरा कर ले आती है। बारिश एंजॉय करने के बाद वो सब कबूतर के घर अनाज लेने जाते हैं, लेकिन वो जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां तो अनाज था ही नहीं। वो सब परेशान हो जाते हैं। कबूतर कहता है, मैंने तो अनाज यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चिड़िया कहती है, हो सकता है जब हम बारिश देखने बाहर गए हों
तो पीछे से कोई आकर ले गया हो। कबूतर कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा करेगा कौन। फिर तोता कहता है, कालू और गोरी के अलावा कौन कर सकता है ऐसा। चलो उनसे जाकर पूछते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कालू का घर और अनाज दोनों बारिश के पानी में गिरा हुआ था। ये वही अनाज था जो उन्होंने चोरी किया था। फिर गौरी कहती है, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। चिड़िया कहती है, अब इनको कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, इन्हें इनकी गलतियों की सजा मिल गई है। फिर गौरी कभी कहती है, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे।